नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति, और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के आगरा जिले के थाना पिढौरा के क्षेत्र ग्राम पंचायत ब्रजोरा के गांव बजरिया में पक्की सड़क न होने के कारण नरकीय जीवन जीने को मजबूर है गाँव बजरिया के लोग। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में सड़क पर पानी भर जाता है। यहाँ के निवासियों को आवागमन करते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के निवासी तोता राम, बलवीर, सिब्बा, कुमार, पाल, वर्मा आदि लोगों ने सरकार से पक्की सड़क की मांग की है। देखिए पिंडौरा से राम निवास की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कुमारपाल। कुमारपाल जी बताइए क्या समस्या है यहाँ पर? सर ये बहुत ही जर्जर रास्ता है, कच्ची रास्ता है, हम इसे पक्की करवाना चाह रहे हैं, पक्की सड़क की मांग करते हैं और कोई सुनाई नहीं हो रही है। सालों से इसी प्रकार नरकी जीवन जी रहे हैं हम, किसी को भी बोलो कोई सुनता ही नहीं है। किसी उच्च अधिकारी से आपने शिकायत की हो? बहुत की है सर, कोई नहीं सुनता है। बोलो। मेरा एक ही मकान है, कच्ची सड़क वो है जे तो आदमी करने के लिए बहुत परेशानी है दिन रात की हमारी। सरकार से आप क्या चाहते हैं? जी चाहते हैं कि मतलब सड़क बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के विकास खंड इस्लाम नगर ग्राम पंचायत सादतपुर नाथनी में किसान साधन समिति पर किसान यूरिया खाद लेने गए थे, जहां यूरिया खाद की कालाबाजारी की सूचना पर पहुंचे बिल्स तहसीलदार अशोक कुमार सैनी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पाया कि एक ट्राली में 17 यूरिया के कट्टे बरामद किए, जो साधन समिति के दूसरे क्षेत्र के गाँव में ले जाए जा रहे थे, जिसका वहां पर उपस्थित किसान जोरदार विरोध कर रहा था। लेकिन वे किसान गत कई दिनों से खाद लेने के लिए किसान साधन समिति सादतपुर नाचने के चक्कर लगा रहे थे, जबकि उन सभी किसानों के सामने ही उन्हीं की सेवा समिति से 17 खाद के कट्टे सचिव द्वारा दूसरी साधन समिति क्षेत्र के ग्राम किसेरा इबादुल्ला नगर को ब्लैक किए जा रहे थे। जहां सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे तहसीलदार महोदय ने ट्राली में रखी खाद को ट्रैक्टर सहित ग्राम पंचायत दिग्विजय सिंह के घर पर खड़ा करवा दिया है और जांच प्रक्रिया को आगे जारी रखने का तहसीलदार द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया है। देखिए इस्लाम नगर से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अरे ग्राहक कोई वो यार सभी किसानों को इनका विरोध ये है, हमारे किसानों का, यहाँ के लोगों का, कि जिस सोसाइटी में अधिक करते हैं वहाँ से क्यों नहीं ले रहे, यहाँ से क्यों ले रहे, क्योंकि सबको जहाँ है वही तो सिस्टम जाँच के लिए आए हैं। सचिव नहीं है, सचिव चले गया, सचिव जो थे उनको इसलिए फ़ोन करके बुलाया, बोले मैं बीमार हूँ जी, तो इससे यही पूछा जा रहा है कि आप बीमार हो तो क्या 5 मिनट में बीमार हो गए, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वो निकालिए। पंजाब के जिला फिरोजपुर थाना मक्खू में शनिवार और रविवार लॉकडाउन के दौरान मुकम्मल तौर सारा बाजार बंद रहा। पुलिस प्रशासन की तरफ से जगह जगह नाके लगाए गए और चेकिंग की गई। तो ये मक्खू से मंगल सिंह मक्खू की रिपोर्ट। सिस्टम अभी पहुंचे जी मक्खू मेन बाजार के, जिते कि शनिवार को अच्छ लॉकडाउन, ऐतवार लॉकडाउन दो दिन आधारित मिली हुई है, तो मुकम्मल तौर पर सारा मक्खू बाजार बंद है, बिल्कुल आवाजाही बंद है। पुलिस प्रशासन वालों गेड़े मारे जा रहे हैं बाजार के, पूरी कार्रवाई की जाती है, जहाँ भी मिलता है उसमें फड़न दे जाता है, जुर्माना भी पाया जाता है, चलान भी कटा जा रहा है। और तुम दिखाने की बिल्कुल सारा बाजार दुकाना बंद है, माड़ी मोटी आवाजा भी नज़र आ रही है जो कि लोग नहीं समझ रहे, और कैप्टन साहब के आदेश ने कि जेकर लोग ना समझे तो आने वाले समय में बहुत सख्ती ज़्यादा की जा सकती है। 31 अगस्त तक लगातार शनिवार एतवार लॉकडाउन रहेगा, उस तो बाद जो लोग ना समझे उस तो बाद सख्ती बढ़ भी सकती है। पंजाब सरकार के जो आदेश आए हैं उन्होंने अनुसार शनिवार एतवार बाजार बंद से। लॉकडाउन
कैमरामैन दे नाल मंगल सिंह मखू फास्ट न्यूज़ इंडिया दी रिपोर्ट। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए रुख करते हैं आगे तमाम बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के जिला आगर मालवा के तहसील नरखेड़ा के ग्राम धनोरा गुराडिया खाती टिकोन लटूरी उमट सभी जगह आज बहुत ही भारी बारिश हुई, जिससे ग्राम धनोरा के हनुमान मंदिर के अंदर पानी घुस गया और शंकर भगवान की मूर्ति पानी से डूब गई। देखिए नरखेड़ा से गिरिराज चंद्रवंशी की रिपोर्ट। ये हमारे बुजुर्ग कहते थे पहले के 40 साल पहले ऐसी बारिश हुई थी, उसके बारे में आज नजर आ रही है कि हमारे पूरा आदमी बुजुर्ग कहते थे कि 40 साल पहले बारिश ऐसी हुई थी जो आज बारिश देखने में आई है और घरों में पानी घुस गया, हनुमान मंदिर के चरणों में पानी धोख देके निकल रहा है। बहुत धन्यवाद इंद्र राजा को, हम ये कहते हैं कि भाई ज़्यादा उत्माद मत कर भाई, जो हुआ वही बहुत यूपी के जिला आगरा के थाना पिनाहट के क्षेत्र पिनाहट चंबल घाटी में चंबल नदी उफान भरने लगी है। चंबल नदी के बीच में हजारों वर्ष पुराना एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। जब चंबल नदी का जल स्तर बढ़ता है तो ये शिव मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। जब चंबल नदी का जल स्तर घटता है तो ये शिव मंदिर जैसा था वैसा ही रहता है। इस मंदिर को कोई हानि नहीं पहुँचती। देखिए पिंडौरा से रामनिवास की रिपोर्ट। मैं रामनिवास वर्मा इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जिला आगरा थाना पिनाहट के क्षेत्र चंबल बेहड़ों में। यहाँ पर ये चंबल नदी देखिए, यहाँ पर डाकियों से प्रसिद्ध माना जाता है इसको। यहाँ पर अभी अपनी ये नदियाँ उफान लेने लगी हैं इस समय धीरे धीरे। और तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, खाली कहूँगा तो ये भोले बाबा का मंदिर है। जब भी इतनी चंबल नदी चढ़ती है कि पूरा मंदिर डूब जाता है, लेकिन फिर भी ये मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ता। ये भोले बाबा का मंदिर है, यहाँ पर धीरे धीरे नदियाँ उफान लेने लगी हैं। के समाचार आए कुछ खास खबरों के लिए बदरी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।